गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आर चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्शन। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन से पहले किससे बॉडी में मैच्योरिटी आती है, जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं। मेल और फीमेल, फीमेल के केस में अलग अलग टाइम पे मैच्योरिटी आती है। ठीक है, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अभी हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ठीक, सिस्टम बता दिया था, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, मीन्स ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्पर्म फॉर्मेशन करने। और ये जो स्पर्म होता है इसको मेल गैमेट बोलते हैं। स्पर्म इज द मेल गैमेट एंड दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। है अभी मैं चेक कर लू नहीं, अभी आएंगे बच्चे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, उसमें हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया, देन एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो पूरा का पूरा समझने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। पेयर मीन्स जोड़ा, और टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर होता है। क्यों होता है, याद है क्यों होता है? क्योंकि स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो टेस्टिस है उसको नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस को स्किन पाउच कवर करके रखता है। सर स्किन पाउच है जिसका नाम स्क्रोटम है। ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस, और इसको एक स्किन पाउच कवर करके रख रहा है जिसका नाम है स्क्रोटम। तो टेस्टिस के अंदर, जैसे कि तुम लोगों को पता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हर कंपार्टमेंट से जो रिटी टेस्टिस है, रिटी टेस्टिस मीन्स ये नैरो ट्यूब्स है जो हर एक कंपार्टमेंट से, सेमिफेरस ट्यूबल्स के बारे में बोला था, उनसे स्पर्म कलेक्ट करके लाएगा। तो रिटी टेस्टिस जैसे कि यहाँ से रिटी टेस्टिस कनेक्टेड है, ये इधर से भी ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड। अब यहाँ से ये रिटी टेस्टिस जो नैरो ट्यूब्स है वो निकले हुए हैं, निकलने के बाद ये बना रहे हैं वासा इत्यादि। एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे सारे जोड़े। मैं बोलूँ कि तुम लोगों को मुझे एक एक ग्लास, एक बाल्टी रख दूंगी, 40 बच्चे हो या 30 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, जाओ एक एक ग्लास पानी लाओ और इस बाल्टी में रखो, फिर उस बाल्टी को मुझे लेके पौधों में डालनी है, क्या करनी है। तुम सब एक एक ग्लास लाओगे तो कहीं से भी तुम लेके आओ, आओगे तो मेरे पास ना। सेम हर एक कंपार्टमेंट से जो स्पर्म्स कलेक्ट होंगे, होके आएंगे, वो रिटी टेस्टिस लेके आएगा। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे होता है वासा इफेरेंसिया। नाम क्या है? वासा इफेरेंसिया। वासा इफेरेंसिया से फिर ये जाएगा एपिडिडाइमिस के पास। इधर एपिडिडाइमिस, ये वाला पोर्शन एपिडिडाइमिस, पहले लिंक कर दूंगी तुम समझो पहले। फिर एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है, वही एक ही ट्यूब है, पर वो ट्यूब की लोकेशन के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। ठीक, तो ये आया पहले रिटी टेस्टिस, ये नैरो ट्यूबल्स जो है रिटी टेस्टिस है, देन टुवर्ड्स द वासा इफेरेंसिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू, जो पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसके थ्रू स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज होता है। सेम इधर से भी कोई होगा रिटी टेस्टिस, ये कनेक्ट किसके साथ होगा? वासा इफेरेंसिया, देन सेम एपिडिडाइमिस, क्योंकि दो टेस्टिस है ना, तो दो टेस्टिस में से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। तो ये स्पर्म लास्ट में कहाँ आएगा? यूरेथ्रा के पास आएगा, जो कि प्रेजेंट होता है पेनिस के अंदर। तो इधर से भी आ गया, अब ये आके एक जगह कनेक्ट होंगे। याद रखो, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
इनका कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है मेल के केस में, फीमेल के केस में अलग होता है। इसका मतलब है कि जो मेल है उनमें एक ही डक्ट और एक ही ट्यूब होती है यूरिन रिलीज करने के लिए और गैमेट रिलीज करने के लिए, मीन्स फॉर बोथ रिलीजिंग यूरिन एंड स्पर्म। बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में क्या होता है, यूरिन अलग ट्यूब के थ्रू रिलीज होती है और जो गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं वो अलग से रिलीज होती है। इसलिए मेल के केस में इसको कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है, मीन्स दिस गिव्स द पैसेज टू रिलीज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। आया समझ में सबको? तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से भी एक कॉमन डक्ट जो है वो आपके ज्वाइंट हो रहा है किसके साथ, और ये कॉमन ट्यूब बना रहा है, ऐसे कॉमन ट्यूब बन गया। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये एक्सटर्नल जेनिटल है इन केस ऑफ मेल्स। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटल का नाम क्या है, क्या बोलो क्या है? तो ये ट्यूब सारे देखो यूरिनरी ब्लैडर से भी आ गया, ठीक है, दोनों टेस्टिस से भी आ गया। इसलिए जब यूरिन रिलीज होगा, तुम देखो ना ये यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन किसके थ्रू रिलीज होगा, इसी के थ्रू ही रिलीज होगा। और यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, ये भी वही एक कॉमन प्रोसेस है, सारे जुड़ गए हैं ना। पेज पलटना, अरे ये यहाँ पे तुम्हारे बुक में एक सिंगल पोर्शन दे रखा है, मैंने डबल पोर्शन बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्लैंड होती है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर को यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बताया था मैंने ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रेशन करना, और यहाँ पे जो होता है इसका नाम है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये हो गया सेमिनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। और इस पोर्शन को बोलते हैं यूरेथ्रल मीकस, का नाम है यूरेथ्रा मीकस। अब ये यूरिनरी ब्लैडर, जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि ये कॉमन डक्ट फॉर्म कर रहा है इसलिए इसको हमें दिखाना है, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और ये एक्सटर्नल जेनिटलिया इसका नाम है पेनिस, और ये जो नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम हो गया रिपीटेस। फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा वासा इफेरेंसिया, वासा इफेरेंसिया के बाद ये आ गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ये वाला पोर्शन को बोलते हैं वासा डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये लेके आया फिर ये उसको आगे फॉरवर्ड किया, एपिडिडाइमिस जो जगह है यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म मैच्योरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस, यहाँ पे लिखोगे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन हुआ पर मैच्योर वहां नहीं हुआ, मैच्योर यहाँ पे क्यों होगा एपिडिडाइमिस के पास, बिकॉज इन एपिडिडाइमिस बोथ सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखो सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, स्पर्म लिविंग है ना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन मिलेगा सेमिनल वेसिकल से, और सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होता है सेमिनल प्लाज्मा, क्या सेमिनल प्लाज्मा। तो देखो ये सेमिनल वेसिकल है, इधर को नहीं दिख रहा ना, ठीक देखो सेमिनल
वेसिकल से सिक्रेशन होता है। अभी कौन ने लिखेगा बेटा, समझो पहले। सेमिनल प्लाज्मा, और ये सेमिनल प्लाज्मा क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है, ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ताकि स्पर्म इजीली मूव कर सके। समझ में आ गया? जो म्यूकस जिसको हम बोलते हैं, स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस जो सिक्रेट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो म्यूकस फॉर्म होता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड गिव्स ए लिक्विड मीडियम। ठीक है, इट्स सिक्रेशन गिव्स ए लिक्विड मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ और फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तुम्हारा बुक में ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो क्या लिखोगे? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड वो गिव्स न्यूट्रिशन एज वेल एज ए लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म। देखो, कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, कुछ भी, इवन तुम खाना खाते हो, आलू की चिप्स लिया निकल गए, रोटी लिया सीधा निकल गए, क्या करते हो? क्या जरूरत है? गले में जाएगा ही नहीं, अगर चला भी गया ना बहुत दिक्कत होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज, इवन जो डीफिकेशन करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से म्यूकस फॉर्मेशन होता है। और डीफिकेशन मतलब जब दो नंबर करते हो, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से म्यूकस सिक्रेशन होता है। और फिकल मटेरियल मीन्स अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया था उसके साथ म्यूकस मिक्स हो जाता है, तभी जब हम फिकल मटेरियल रिलीज करते हैं वो इजीली बॉडी से बाहर आता है। कुछ भी चीज हो हमारी बॉडी के अंदर, उसको लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कान से कचरा निकलता है, देखा है कैसा होता है, स्टिकी स्टिकी। आंख से भी निकलता है स्टिकी स्टिकी, नाक से स्टिकी स्टिकी, नाक में उंगली डाला है नहीं डाला, झूठ मत बोला, डाला ना। ये क्या है? ये म्यूकस है, और म्यूकस सिक्रेशन होने के लिए म्यूकोसल ग्लैंड्स अलग अलग जगह में होती है। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो भी क्या है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, मीन्स ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि जो स्पर्म है, जब मेल स्पर्म को रिलीज करते हैं, वो ऐसे नहीं कि स्पर्म दिखता है, इतने बड़े बड़े स्पर्म, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, खाली आंख को नहीं दिखेगा। पहली चीज, सिर्फ लिक्विड दिखेगा, और उस लिक्विड को अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो जाके उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। स्पर्म ऐसे दिखता है माइक्रोस्कोप में, तो ये लिक्विड के साथ ही प्रेजेंट होता है, और मिलियंस नंबर में होता है। हमारे केस में भी, ओबम के केस में भी वही है, अंडा देते हैं हम नहीं देते हैं ना, तो हमारा गैमेट कैसे रिलीज होता है? वही ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। तो एक लिक्विड मीडियम की जरूरत होती है बॉडी से, कुछ भी हम रिलीज करते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने के लिए भी अलग अलग जगह से लिक्विड फॉर्मेशन होती है, लिक्विड के फॉर्म में। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ पे जो म्यूकस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। माउथ में जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा सलाइवा निकल रहा है, इसकी ये भी एसिडिक बाय नेचर है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। नाक के अंदर कुछ चला जाता है तो भी हम म्यूकस के थ्रू ही उसको निकालते हैं। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जहाँ से जिस जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, वो रिलीज करता है बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड मीडियम। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो तीन नंबर में क्वेश्चन आता है, पागल नहीं हूँ जो एक घंटे से यही बोल रही हूँ। याद रखो, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड सिक्रेशन होता है, इट गिव्स लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म फॉर इट्स इजी मूवमेंट। और सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होता है सेमिनल प्लाज्मा,
और सेमिनल प्लाज्मा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि स्पर्म हमेशा तो रिलीज नहीं होगा, जब चाहे तब तो रिलीज नहीं कर सकते ना, तो इनको सर्वाइव करनी है, तो सर्वाइव करने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो सेमिनल प्लाज्मा देता है, उसमें कैल्शियम एंड फ्रुक्टोज होता है। जो सेमिनल प्लाज्मा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम्हारे बुक में नहीं है कुछ भी, तो जो सेमिनल प्लाज्मा है दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। जैसे रेप केस में मेडिकल टेस्ट होती है ना, तो यही कैल्शियम और फ्रुक्टोज मिलती है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसका प्रेजेंस होना मतलब बोलो, पढ़ रहे हो ना, तो क्या है, बोलो क्या क्या प्रूव करेगा? अरे फीमेल बॉडी, फीमेल का रेप हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलता है मेडिकल टेस्ट में? अगर फीमेल बॉडी से कैल्शियम और फ्रुक्टोज मिलता है तो, क्योंकि ये कैल्शियम और फ्रुक्टोज होता है स्पर्म में, समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़े तो ये पूरा का पूरा मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। ये टेस्टिस है, इधर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस इनिशिएट होता है जब मेल टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होता है, तो वो उसको इनिशिएट करता है, मतलब स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, और मिलियंस नंबर में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो सारा मूव नहीं करता है, अंदर ही रहता है, क्योंकि इसके चारों तरफ सर्टोली सेल होती है, वो डीप हो जाएगा ज़्यादा, अंदर टेस्टिस के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी सेल है, बाहर जब आएगा उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, जैसे कि मैंने बोला अभी सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, तो आएगा रिटेस्टिस के थ्रू, फिर जाएगा वसा इपेरिसिया, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द एपिडिडाइमिस। मैंने एक बात और बोला था, जब स्पर्म मूव कर रहा होगा तो एपिडिडाइमिस रीजन में इसका मैच्योरेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, और इनके सिक्रेशन जब होता है तो स्पर्म को लिक्विड मीडियम भी मिल जाता है, तो ये स्मूथली मूव करके आता है टुवर्ड्स वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए ये जाता है यूरेथ्रा रीजन में, और यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए ये यूरेथ्रा मीटस, मतलब ये वो पोर है जिसके थ्रू स्पर्म रिलीज होता है, तो यूरेथ्रा मीटस के थ्रू क्या रिलीज हो जाता है? स्पर्म प्लस यूरिन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। ये सिर्फ ह्यूमन मेल के, मतलब जितने भी मेल है, जितने भी मेल है एनिमल मैक्सिमम ऑल मम्मल्स में, मतलब जो चार पैर वाले एनिमल्स है उनके लिए भी यही सेम है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे, तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, जब हम पढ़ रहे थे प्लस टू तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा था, प्लस टू तक हमने रैबिट के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन रैबिट, क्योंकि रैबिट भी एक मम्मल है, तो वही सेम चीज पढ़ रहे थे जो ह्यूमन में पढ़ते, ह्यूमन के बारे में जाके आगे पढ़ा था, बीएससी में ह्यूमन के बारे में, अब तो तुम टेंथ से पढ़ रहे हो, हम तो प्लस टू तक नहीं पढ़े थे, समझ में आ गया तुम लोगों को? बढ़िया से आ गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डॉक्स है, एक्सेसरी डॉक्स है, उनका नाम है डिंपल, क्या बेटा? डॉक्स के नाम बताओ, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट डॉक्स के नाम बताओ। वास डिफरेंस, स्टार्ट करो शुरू से, रिटिटेस्टिस, बोलो रिटिटेस्टिस, देन वासा इफेरेंसिया, क्या? वासा इफेरेंसिया, उसके बाद एपिडर्मिस, देन वास डिफरेंस, और जो ग्लांड्स प्रेजेंट है उन ग्लांड्स का नाम क्या है? सेमिनल। रितिका सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? से लाउडली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल? आरिफा, यस मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल? मैम ही स्पर्म मतलब वो करता है, लिक्विड फॉर्म में करता है, प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो है ना लिक्विड फॉर्मेशन में। आरती मैम, सेमिनल प्लाज्मा
न्यूट्रिशन के साथ साथ एक लिक्विड मीडियम भी देते हैं, ठीक है? समझ में आ गया सबको? चलो कौन बोलेगा अब? स्मृति, ह्यूमन मेल के केस में इसको कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? व्हाई इन ह्यूमन मेल्स? Because in the human male there is a common tube or duct in which urine and sperm release. ठीक है, बोल। Kirti, what is the external genitalia in man called or human being called? Penis. बोल। What is the function of scrotum? Dimple. It provides a temperature less than normal body temperature Good. For the formation of sperm. एक बात बताओ, अगर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस की टेम्परेचर कितना होगा? महिमा 35 या फिर 34. तो लेस टेम्परेचर क्या करता है? इजीली कराता है. सानिया, मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? दिव्या, सेक्स हार्मोन मेल, व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड? सुवान, स्पर्म. मेल सेक्स हार्मोन, यू ऑल आर रॉन्ग. पूजा, आता है? शिवानी, मेल सेक्स हार्मोन. रिंकी, ये जो हाथ खड़ा किया है इनको छोड़ के और कोई बोलना चाहता है? साक्षी, हार्मोन का नाम पूछा है मैंने, डेली बोलती हूँ. दिस इज कॉल्ड एज मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, ऐसे बोलती रहती हूँ. रितिका, बेटा कितनी बार बोल रखा है कि टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम कौन बोलेगा? साक्षी, नहीं देखो बेटा, जो तुम लोग हाथ खड़ा किए हो तुम तो हमेशा बोलते हो. आई एम सर्चिंग फॉर सम न्यू हैंड्स. आरती, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. कितनी बार बोल दिया? बैठो, लिख लेना. मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टिकुलर हार्मोन भी कहा जाता है और इसमें से सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. एक ही नाम है, मतलब दोनों का मतलब एक है, नाम दो है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. मैं लिख देती हूँ इसको, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है? इसका सिक्रेशन कब होता है, कौन से टाइम पीरियड में होता है इसका सिक्रेशन? व्हेन द मेल सेक्स हार्मोन स्टार्ट सिक्रेटेड. टाइम पीरियड बताओ कब होता है. हाँ शिवानी, प्यूबर्टी, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. बेटे बोलना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 14 ईयर से शुरू हो जाता है, ठीक है? दोबारा सेम क्वेश्चन पूछूंगी. ईच टेस्टिस कंटेन्स हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स? रितिका, बैठ जा. Each compartments are connected with which tube? Smruti. Good. In which place the sperm get matured? Sakshi. Very good. Very good. So I think सबको आ गया. एक last time describe कर देती हूँ.
जिसको जो भी डाउट रहा अच्छे से सुन लो बेटा। पांच नंबर का क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लो। बोर्ड के एग्जाम में डायग्राम गिवेन होता है और तुम्हें ए बी सी डी जैसे मैंने यहाँ पे लेबल कर रखा है, लेबलिंग कर रखा है ना, वहां पे ऐसे डायग्राम होगा। देखो तुम्हारे बुक में एक साइड का डायग्राम दे रखा है, तुम उसको भी बना सकती हो या तुम चाहो तो इसको भी बना सकती हो, चॉइस तुम्हारी है। और बढ़िया से बनाना, मैं तो रफ डायग्राम बनाई हूँ। यहाँ पे जैसे ये दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने लिखा है ना, यहाँ पर लिखा होगा ए, ठीक। सेमिनल वेसिकल के लिए लिखा होगा बी, टेस्टिस के लिए लिखा होगा, ये कंप्लीट टेस्टिस है तो टेस्टिस के लिए लिखा होगा सी, इसके लिए लिखा है सी। और ये पोर्शन देखो ये यूरेट, हाँ इसके लिए लिखा होगा डी और इसके लिए लिखा होगा ई। हर एक पार्ट को तुम्हें पहचानना है, तुम्हें मिलेगा आधा नंबर, क्योंकि पार्ट के साथ साथ तुम्हें पूछेगा फंक्शन, तो पार्ट पहचान जाओगे। ए पार्ट कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बी पार्ट सेमिनल वेसिकल्स, सी टेस्टिस, डी यूरेथ्रा, ई यूरिनरी ग्लैंड। समझ में आ गया, मिलेंगे तुम्हें 2.5 मार्क्स। उसी क्वेश्चन में होगा ऑल्सो राइट वन और टू फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का एक या दो फंक्शन लिखो। तो जैसे कि पहला हो गया तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसका एक ही फंक्शन लिखोगे, इट गिव्स लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म। ये स्पर्म को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, इट गिव्स ए लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म। बी पार्ट हमने किसको सेमिनल ग्लैंड, सीधा लिखना, इट सीक्रेट्स सेमिनल ग्लैंड, व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। फिर सी आ गया, ये क्या है, टेस्टिस, क्या फंक्शन है, स्पर्म इज फाउंड एज वेल एज, दो काम आता है तुम्हें, दो काम आता है ना इसके, दो फंक्शन लिख लोगे। स्पर्म इज फॉर्म्ड हियर एज वेल एज द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर कौन सा पार्ट है, सी के बाद डी, यूरेथ्रा, इट गिव्स द कॉमन पैसेज टू रिलीज बोथ स्पर्म एंड यूरिन, हो गया। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, ई, यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर्स यूरिन। समझ में आया, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी बताई क्लास 2000, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, तो पांच नंबर ले आओगे, यस 100%। देखो मेल का भी आ सकता है, फीमेल का भी आ सकता है, और बता देती हूँ फीमेल का इससे बहुत आसान है, किटपिट जो है वो मेल है, मतलब मेल का थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बार बार एक एक चीज का रिपीट किया है। इसके बाद अगर तुम भूल जाओगे तो तुम्हारे लिए जो कल के लिए काम है वो ये है, मैंने तुम लोगों को ओरली बता रखा है सारे फंक्शन, कि तुम्हारा काम है तुम हर एक पार्ट का, चलो पांच पार्ट तो मैंने लेबलिंग किया है, तुम हर पार्ट का फंक्शन लिखोगे। अगर एक पॉइंट आता है तो एक लिखोगे, दो आता है तो दो लिखोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे, कल सुबह आके पूछ लेंगे, क्लियर है, पूछने की बात कर लो तुरंत इसमें। और खुद के लिए आरिफा, समझ में आया तुझे, अब कर सकती है, डायग्राम बना सकती है, गुड। तो 5 मार्क्स के तुम्हें मिल गए, और 3 नंबर्स का जो क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक से, राइट द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। फंक्शन कवर्स द टेस्टिस and it also helps in maintaining the or providing the less temperature to the testes than the normal temperature. दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेगा, what is the function of seminal vesicle and prostate vesicle? I think सबको क्लियर है, yes ma'am, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम है, पूछना है नहीं, उतारना है तो उतारो। देखो कुछ भी स्पेलिंग वगैरह पूछना है तो पूछ लेना। डायग्राम तुम बुक वाला ही प्रैक्टिस करना, वो ज्यादा बेटर है, ये मैंने तुम्हारे लिए इसलिए
बनाया था कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। आज पहली बार कौन कौन आया बेटा, फर्स्ट टाइम अटेंड किया है क्लास? पूजा को छोड़ के और कौन? पूजा तो आई थी पहले ना साथ से। ठीक, करो बेटा करो, राइट डाउन प्रोस्टेट है, वो प्रोस्ट्रेट नहीं है, याद रखना प्रोस्टेट, PROSTATE, प्रोस्टेट नॉट प्रोस्ट्रेट। कर लेना इसको, लिख लेना, हम सब खुद से लिखने की कोशिश करना। ऑलरेडी वीडियो है, नहीं आएगा तो वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है।